हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कभी नहीं होगी नसों में ब्लॉकेज, लीवर की गर्मी, गैस, एसिडिटी, अपच या पेट फूलना, हार्ट प्रॉब्लम, इन सभी से बचे रहना चाहते हैं तो आप अपने 5 से 6 मिनट मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इतना जबरदस्त है कि ये अजमाया हुआ है। इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है और कितना टाइम तक करना है, ज्यादा भी नहीं करना, और आप अगर 2-3 दिन करते हैं फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आप जान लीजिए कि वो तरीका कौन सा है। अगर आपकी भी नसों में ब्लॉकेज है, नसों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज रहने लगी है, या फिर आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, आपको गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, लीवर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, आपके बाल झड़ते हैं, आपको बहुत ज्यादा बदन में दर्द रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी सही से नहीं हो पाता और आपका ब्लड शुगर लेवल भी हाई रहता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी है, आपको ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, या फिर इनमें से कोई एक दो प्रॉब्लम भी हैं, तब भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो नुस्खा है बहुत नेचुरल है, बिना साइड इफेक्ट के है। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे हर्ब आपको बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से ये सभी प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि उनका हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी एक ऐसा हर्ब है जिसकी मदद से आपके शरीर के अंदर दबी हुई नसें खुल जाती हैं। बार बार खांसी, जुखाम जैसी प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम को बार बार आपको एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है या लीवर कमजोर हो रहा है, यह सभी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। ऐसे लोग जिनका बदन दर्द काफी रहता है या फिर हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, ऐसे सभी लोगों को भी दालचीनी बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है। दालचीनी कितने दिन तक आपको प्रयोग करनी है, दालचीनी कैसे आपको इस्तेमाल करनी है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अब जानते हैं दालचीनी के क्या क्या फायदे हैं हमारे लिए। सबसे पहला फायदा है दोस्तों, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और जो बढ़ चुका है उसको बाहर करने का काम करता है। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है और वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए रोजाना कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं, तो मेरी मानकर 2 से 3 दिन के लिए एक बार ऐसे कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप जो खा रहे हैं वो आप खाते रहिए, उसके साथ ये दवाई खा लीजिए। 3 दिन में आपको अपनी बॉडी में चेंज दिखेगा, लेकिन 3 दिन के बाद दालचीनी बंद नहीं करनी है, उसे कुछ टाइम के लिए रेगुलर रखिएगा। ऐसे सभी लोगों के लिए दालचीनी काफी फायदेमंद होगी। दोस्तों, दूसरी इसका फायदा है त्वचा से संबंधित रोगों के लिए। जिनको भी बार बार त्वचा पर खुजली होती है, जिनको बार बार बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए दालचीनी बहुत इफेक्टिव है। ये जितनी भी एलर्जीज होती है उनको दूर करने का काम करती है। ऐसे लोग जिनके हाथ पैर बहुत ज्यादा सुन्न होते हैं, थोड़ा बहुत सोना तो एक आराम सी बात है, हाथ पैर सो जाते, पलाथी लगाकर आपने 1 घंटा या 2 घंटे बैठे, लेकिन अगर ज्यादातर सोते हैं लेकिन जैसे ही पलाथी लगाई वैसे ही पैर सो गया, या फिर जैसे ही अपनी बाजू को अपने सिर के नीचे दिया, 1 से 2 सेकंड के अंदर या 1 से 2 मिनट के अंदर भी उसी टाइम आपकी बाजू सो गई, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी काफी फायदेमंद है। ऐसे लोग जिनके भी सिर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम है जिनको भी, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे लोग जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको भी ब्लड शुगर लेवल हुआ, ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। ऐसे लोग जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट कमजोर है, सांस फूलता है या खून की कमी हो गई है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। ऐसे लोग जिनका लीवर कमजोर हो चुका है और लीवर के चारों ओर फैट डिपोजिट हो चुकी है, फैट जमा हो चुका है, लीवर में इन्फेक्शन हो चुका है, लीवर कमजोर है, तो ऐसे में दालचीनी काफी फायदेमंद है आपके लिए। ऐसे लोग जिनका डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर है, जिनको खाया पिया पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी रहती है, गैस एसिडिटी, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, खट्टे डकार आना, कभी कभी एसिडिटी इतनी ज्यादा होना कि कुछ भी खाते हैं एसिडिटी बनने लगती है, छाती में दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में भी दालचीनी काफी फायदेमंद है। इसके अलावा जिनको खांसी है, जुखाम है, बार बार एलर्जी हो जाती है, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो चुका है, छींके आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी छींके एक साथ आती है, बलगम बहुत ज्यादा बनती है, या फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी काफी फायदेमंद है। दालचीनी का उपयोग आप
जान लीजिए करना कैसे है। दालचीनी का उपयोग अगर आप ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, आप लिमिट में करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा, जिससे कि हार्ट की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एक औषधि की तरह, एक दवाई की तरह काम करेगी और बिना दवाई के भी आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आधा कप पानी लेना है। आधे कप पानी को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इस गर्म पानी के अंदर आपने दो चुटकी दालचीनी पाउडर डाल देना है। इसका सेवन आपने रोजाना सुबह खाली पेट करना है। आप देखेंगे कि एक से दो दिन आपको फर्क दिखने लग जाएगा, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल 2 महीने तक रोजाना करना है ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके और जितनी भी दवाइयां आप कभी किसी चीज की खा रहे हैं, कभी किसी चीज की खा रहे हैं, वो दूर हो जाए। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद आपको इसका सेवन करना है। आप देखेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। एक ही दिन में आपने दवाइयां बंद नहीं करनी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूध से भी आप, दूसरा तरीका है, दूध से भी आप इसे ऐसे तैयार कर सकते हैं। जिनको भी बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा इफेक्टिव है। कैल्शियम की कमी को शरीर में नहीं बढ़ने देता, कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध के अंदर आपने 2 चुटकी दालचीनी पाउडर डालना है और आप देखेंगे कि दूध का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि कॉफी का कलर चेंज हो जाता है वैसे हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर मिश्री मिक्स कर लेनी है। तो ये आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, आपके अंदर होने वाली ये समस्याओं को ठीक करेगा। इसका सेवन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ लीवर वाले मरीजों ने इसका सेवन कैसे करना है। ऐसे लोगों को इसका सेवन शहद के साथ करना काफी फायदेमंद होगा। शहद में आप 2 चुटकी दालचीनी पाउडर यानी 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसके अंदर 2 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल दीजिए। इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस तरीके से ही आपने दालचीनी का इस्तेमाल करते रहे तो आपकी फैटी लीवर या लीवर में इन्फेक्शन होना, ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।